आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार टेंडर जो पब्लिश किया है पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन ने। जो ट्रेनिंग पार्टनर्स पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ एम्पैनल होकर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं, ये टेंडर उनके लिए है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें कि ये टेंडर कब पब्लिश हुआ, कब तक हम लोग इस टेंडर को सबमिट कर सकते हैं और कैसे इसको हम लोग सबमिट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये टेंडर 1 सितंबर 2023 को पब्लिश हुआ और इसको हम लोग 4 अक्टूबर 2023 तक सबमिट कर सकते हैं। इसको सबमिट करने का जो मोड है वो ऑनलाइन रहेगा और इसको eprog.punjab.gov.in वेबसाइट पर सबमिट करना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना एक और महत्वपूर्ण बात जो है इसके अंदर, वो फीस है। किसकी फ़ीस क्या होगी तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इसकी फ़ीस है वो 25,000 होगी, जो नॉन रिफंडेबल होगी। दोस्तों जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जानकर आपको खुशी होगी कि इसके अंदर जिन ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ के पास स्किलिंग का एक्सपीरियंस है वो भी एलिजिबल हैं और जिनके पास स्किलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी एलिजिबल हैं। इस टेंडर के अंदर जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन ने दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। कैटेगरी ए के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट एलिजिबल हैं जिनके पास स्किलिंग का एक्सपीरियंस है, और कैटेगरी बी के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल हैं जिनके पास स्किलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नंबर वन अगर हम लोग बात करें कंपनी की एग्जिस्टेंस पर, दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसको मार्क्स के अंदर इवेलुएट किया गया है। अगर हमारी कंपनी की एग्जिस्टेंस के बेस पर इसको इवेलुएट किया गया है, अगर हमारी कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो 3 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम है तो हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर हमारी कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो 5 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टेंस है वो 7 साल से ज़्यादा है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट पर कि हमारी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो क्या होनी चाहिए, उसको भी इन्होंने मार्क्स के अंदर इवेलुएट किया हुआ है। अगर हमारा जो फाइनेंशियल टर्नओवर है लास्ट ईयर का वो 50 लाख से ज़्यादा और 75 लाख से कम है तो हमें 3 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड पॉइंट जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछी गई है कि अगर हमारी लास्ट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बेस पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इवेलुएट किया जाएगा, अगर हमारा जो फाइनेंशियल टर्नओवर है लास्ट ईयर का वो 50 लाख से ज़्यादा और 75 लाख से कम है तो हमें 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर ये टर्नओवर 75 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो हमें 7 मार्क्स मिलेंगे, और अगर ये टर्नओवर हमारा 1 करोड़ से भी ज़्यादा है तो हमें पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। नंबर 3 दोस्तों जिसके अंदर हमें बताना है कि हमारे पास स्किलिंग का कितना एक्सपीरियंस है उसके बेस पर इसको इवेलुएट किया गया है। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम का है तो हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम है तो हमें 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर हमारे पास एक्सपीरियंस 3 साल से भी ज़्यादा का है तो हमें पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट पे बात करें, उसके अंदर हमें बताना है कि हमने कितने कैंडिडेट्स को अब तक प्लेस किया है, इसको भी पॉइंट्स में इवेलुएट किया गया है। इन बिटवीन 50-60% कैंडिडेट्स को प्लेस किया है तो हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर हमने 60-70 इन बिटवीन कैंडिडेट्स को प्लेस किया है तो हमें 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर हमने 70% से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को प्लेस किया है तो हमें पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट 6 जो है उसके अंदर
हमारे प्लेसमेंट टाइप्स कितने हैं उसके बेस पर दोस्तों ये इवेलुएट किया गया है। अगर हमारे प्लेसमेंट टाइप्स जो हैं वो 10 से ज़्यादा कंपनीज़ के साथ हैं तो हमें पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर जो हमारे टाइप्स हैं वो 10 से 5 के बीच में हैं तो हमें 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर हमारे टाइप्स जो हैं वो 5 से 3 के बीच में हैं तो हमें 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर हमारे टाइप्स जो हैं कंपनी के साथ वो 2 और 2 से भी कम हैं तो हमें 0 मार्क्स मिलेगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा नंबर 7 हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि हमारी प्रॉपर्टी यानी कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर अगर हमने लीज पर लिया हुआ है तो हमें पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर हमारा ट्रेनिंग सेंटर रेंटेड है यानी हम लोगों ने रेंट पर लिया हुआ है तो हमें 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद लास्ट 8 पॉइंट के अंदर दोस्तों जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन पे बेस पर इनको इवेलुएट किया गया है। अगर हमारे ट्रेनर्स क्वालिफाई हैं और हम लोग मेंशन करते हैं तो हमें 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर हमारे ट्रेनर TOT सर्टिफाइड है तो हमें पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर हमारे ट्रेनर TOT सर्टिफाइड नहीं है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस 3 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस 5 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस 7 साल से भी ज़्यादा है तो पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बात कर लेते हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है लास्ट 3 ईयर का वो 50 लाख से ज़्यादा और 75 लाख से कम है तो सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी हमारा लास्ट 3 ईयर का जो टर्नओवर है वो कितना है उसके बेस पर इवेलुएट किया गया है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट 3 ईयर का फाइनेंशियल टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा और 75 लाख से कम है तो मार्क्स मिलेंगे, और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो लास्ट 3 ईयर का टर्नओवर है वो 75 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो हमें 7 मार्क्स मिलेंगे, और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है तो हमें पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर कुछ लेवल्स दिए हुए हैं जॉब रोल्स के, उन रोल्स के अकॉर्डिंग इवेलुएट किया गया है। AQF लेवल के कुछ कोर्सेज दिए गए हैं उनके बेस पे इसको इवेलुएट किया जाएगा। लास्ट एंड 6 पॉइंट के अंदर जो हमारी ट्रेनर्स की क्वालिफिकेशन है सेम उसके बेस पर इवेलुएट किया जाएगा। अगर हमारे ट्रेनर्स की क्वालिफिकेशन जॉब रोल के अकॉर्डिंग नहीं है तो 0 मार्क्स मिलेगा, और अगर उनकी क्वालिफिकेशन जॉब रोल के अकॉर्डिंग है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर वो ट्रेनर्स साथ में TOT सर्टिफाइड हैं तो पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। अब इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस सिलेक्ट होती हैं उनको 3 साल के लिए पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर एम्पैनलमेंट मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।